Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh and a very very good morning Nazreen. Jahan jahan tak is waqt Masala TV dekha ja raha hai, tamam dekhne walon ko chahne walon ko khush aamdeed karte hain aapki apni show pe. Thank you so much for tuning on to Masala TV. Aaj mangal wala din aur aapko pata hai Chef Unaid mere saath hain. Inko jaate jaate maine ghaseet liya. Bilkul mujhe inse do shows aur karane the. इंशाल्लाह आज भी शेफ़ उनैद हैं, अगले हफ्ते भी शेफ़ उनैद होंगे, उसके बाद आप सबको जिसका बेतहाशा इंतज़ार है इंशाल्लाह शेफ़ साइमा विल बी हियर विद अस आफ्टर टू वीक्स. तो आज बहुत ही ज़बरदस्त सी चीज़ बना रहे हैं शेफ़ उनैद, क्रॉकम बुश. ठीक है, और इसके लिए दिस इज़ एक्चुअली एक्लेयर्स कह लें आप, प्रॉफिट रोल्स कह लें आप, उसका बेस बनेगा. ठीक है, शू पेस्ट इसको पका के बनेगा, फिर उसके प्रॉफिट रोल्स बनाएंगे, उसको बेक करेंगे और फिर उसको असेंबल करेंगे इनटू अ टावर बड़ा सा, और उस पर फिर शुगर वर्क होगा थोड़ा सा. बहुत ही हसीन लगता है. आप जब फाइव स्टार होटल्स में जाते हैं तो वहाँ आपको बफेज में नज़र आता है. ठीक है, और दूसरी रेसिपी जो आज बना रहे हैं शेफ नहीं मैं, तो हाँ वो है फ्रेंच मैक्रोन्स. ठीक है, तो ये आलमंड मैक्रोन्स कह रहे हैं या फ्रेंच मैक्रोन्स कह रहे हैं, ये बनेंगे. तो वेलकम करते हैं उनैद को. अस्सलाम वालेकुम उनैद. वालेकुम अस्सलाम. आप तो भाग रहे थे लेकिन हमने आपको पकड़ लिया. बिल्कुल ऐसा ही है. बिल्कुल, और इसके लिए मैं फिर इनके जो ओनर हैं, CEO हैं विपी विप के, सलमान, उनका बेहद शुक्रिया करूँगी. वो बच्चे को मैं जो बोलती हूँ वो कहते हैं आप जैसी आपकी मर्ज़ी आप करें. थैंक यू सो मच सलमान. अच्छा जी, अब बताइए. अभी जाने की वजह ये थी आपा कि शेफ़ नईम और शेफ़ साइमा दोनों छुट्टियों पर गए हुए थे, तो इसलिए फिर मुझे आना पड़ा. वरना मैं वहाँ पे स्टोर देख रहा होता हूँ, आपको मालूम है स्टोर के साथ फिर वो प्रोडक्ट की चेकिंग वगैरह, तो इसलिए फिर वो सलमान साहब ने कहा था कि बेटा अब आप जो है इस तरफ आ जाएँ और यहाँ शेफ़ नईम वगैरह आ जाएंगे. अच्छा, ये वजह थी. तो आज आप बना रहे हैं क्रॉकम बुश. जी, क्रॉकम बुश बनाएंगे जिसके ऊपर स्पंज शुगर का वर्क होगा, कॉटन कैंडी भी बोलते हैं उसको. जी तो अच्छा, नहीं तो आप वो नहीं करोगे शुगर को मेल्ट करके उससे? वही तो, उसको कॉटन कैंडी कहते हैं. जब वो बारीक बारीक बहुत सारे लैशेस तैयार हो जाएंगे उसके थ्रेड्स, तो उसको कॉटन कैंडी कहा जाएगा. अच्छा, क्रॉकम बुश बनाएंगे टावर, उसके बाद हम उसके ऊपर वो ट्रेस वर्क कर देंगे, उसको आपस में जोड़ देंगे और वो हमारा क्रॉकम बुश रेडी हो जाएगा. ये तो लंबा काम है, फिर मेरे ख्याल से टाइम जाया. हम शुरू करते हैं. हाँ चले आएंगे. पहले किस चीज़ से शुरू करेंगे? फ्रेंच मैक्रोन, क्योंकि इनको फिर ड्राई होने में टाइम लगता है ना. ओके, तो पहले हम ये बना लेते हैं. चल, पहली रेसिपी जो आज हम करने जा रहे हैं वो है फ्रेंच मैक्रोन. और फ्रेंच मैक्रोन क्या चाहिए बेटा आपको? आप सबसे पहले हमने बाउल को साफ़ कर लिया विनीगर से, ताकि एग वाइट अच्छी जो है स्टिफ पीक पर आ जाए. अगर इसमें एग योक का एक कतरा भी हो या फिर फैट लगाओ तो फिर एग वाइट जो है वो विप नहीं होती है. ठीक है, पॉइंट्स टू बी नोटेड. एग वाइट कितनी लिए आपने? 50 ग्राम पे. कितने अंडे की थी बेटा, एक अंदाज़ा बता. तकरीबन 2-2.5 अंडे. 2-3 अंडे की ले लीजिए. अंडे की सफ़ेदी, कोई अंडा छोटा होता है कोई बड़ा होता है, और साथ ही उसमें 50 ग्राम कैस्टर शुगर बारीक वाली चीनी डालती है. इनको बीट करने के लिए रख देंगे. और ये एक पिंच सॉल्ट है मेरे पास. अच्छा, डाल दिया आपने. जी. नमक एक चुटकी, आलमंड फ्लावर. अच्छा, ये आलमंड फ्लावर है, आलमंड मील नहीं है. आलमंड मील के अंदर छिलका भी साथ में होता है, वो छिलके वाले के साथ आप मैक्रोन बनाएंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, इसलिए जो है आलमंड फ्लावर लें. आई डिडंट नो दिस, ये मुझे नहीं पता था. आलमंड मील और आलमंड फ्लावर. जी, ये दोनों आपको रेडीमेड दुबई में मिल जाते हैं ना? यहाँ भी मिल जाते हैं. अच्छा, आपके पास हैं? जी जी, बेकार दोनों हैं. दोनों. अच्छा, और आप कह रहे हो आलमंड मील छिलके के साथ पाउडर होता है? बिल्कुल. और आलमंड पाउडर बिगा छिलका, बगैर छिलके के होता है, इसको ब्लांच करके फिर निकाला जाता है. मैं इनके कलर्स देख रही थी, विपी विप ने क्या छाप मारी है विल्टन्स के कलर पे. देखें ज़रा, एग्जैक्ट वही पैकिंग, वही सब कुछ, आपको हर चीज़ बेक हाउस से मिल जाती है. ठीक है, मैदा
और आलमंड फ्लावर आपने मिक्स कर दिया है, मैदानी आइसिंग शुगर आप, सॉरी बात की थी आइसिंग शुगर, 43 ग्राम आइसिंग शुगर है और आलमंड फ्लावर है छिलके के बगैर का 60 ग्राम, दोनों को साथ मिक्स कर दिया है। कभी कभी होता है। हाँ, ब्रेक है जी, ठीक है, जब तक ये बीट हो रहा है हम ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, आपने कहीं नहीं जाना है, वापस आके ये डालेंगे, ठीक है, बीट हो रहा है, स्टे विद अस। वेलकम बैक, देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग का बन रहा है फ्रेंच मैक्रून। जी बेटा, आप ये एक बाइट हो चुकी है, दिखा दें जरा, ये देख लीजिए, इट शुड स्टैंड इन पीक्स, इस तरह खड़ी रहे पीक्स में, ठीक है। स्लो स्पीड में हम आलमंड फ्लावर के अंदर डालते रहेंगे, आलमंड फ्लावर और आइसिंग शुगर दोनों मिक्स्ड है, अपने बीटर की, अपने मिक्सचर की स्पीड लो कर लीजिए और उसमें थोड़ा थोड़ा करके ये डालें ताकि ये उसमें फोल्ड हो जाए। ज़रा सी देर बस उसको सिर्फ मिक्स करना है, ओवर बीटिंग नहीं करनी है। ओवर मिक्सिंग कर देंगे आप तो फिर मिक्सर हो जाएगा थिन और फिर ये ड्राई होने में बहुत टाइम ले लेगा मैक्रून। अभी वैसे भी हमें कलर मिक्सिंग करनी है इसलिए मैंने ज़्यादा मिक्स नहीं किया है, उस टाइम पे भी ये थोड़ा कम हो जाएगा जो इसमें एरेशन की हमने। बराबर से हमने निकाल लिया, दो कलर्स बनाएंगे हम, पर्पल और पिंक। जी ठीक है, ओके, वेरी सिंपल ना। अगर आपके पास आलमंड फ्लावर आपको रेडी मिल रहा है तो इसमें कोई मेहनत ही नहीं है, असल चीज़ आलमंड फ्लावर। बादाम को सुखाना और पीसना बहुत मसला है, कभी कभार ओवर ग्राइंडिंग से उसका तेल निकल आता है बादाम का। बिल्कुल, जरा सा डालिएगा, आपका वो वाला बहुत डार्क है। ठीक है, जबरदस्त कलर्स हैं भाई। बस अब आप मिक्स कर लें। मैं डर रही हूँ कि कहीं एकदम से वो, मैं छोटा लेती हूँ, बहुत बड़ा है। मुझे पर्पल कलर बहुत पसंद है, लव पर्पल कलर। इतना मिक्स करना है कि हल्का सा रनी हो जाए। अच्छा, ओके, ये रेडी हो गया, ये भी रेडी।
ये सिलिकॉन का मैट है मैक्रून का, मिल जाता है आपको बेक हाउस पे। सही मिक्स हुआ है। अच्छा, इसको कितनी देर के लिए बेक करना है बेटा? हाँ भाई, ये तकरीबन 12 से 15 मिनट में रेडी हो जाता है। और क्या टेम्परेचर? 150-160 के सेल्स टेम्परेचर पे। बहुत से लोग बटर पेपर वगैरह पे ही बनाते हैं, जो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं वो तो बना सकते हैं, जिनका रोज़ का काम है। इस मैट में फ़ायदा होता है आपको, अगर ये ज़्यादा भी आप पाइप कर देना तो आप स्कीवर्स की मदद से उठा सकते हैं, उसमें नहीं उठा सकते। नहीं, और जब यहाँ इतनी सहूलत है और रीज़नेबल है, मतलब सही है, आपका पॉकेट आपको इजाज़त दे सकता है। अगर आप महीने में एक चीज़ अपने इस किस्म की ख़रीद लें तो एक तो ये इन्वेस्टमेंट है आपका ज़िंदगी भर का, जब तक अल्लाह आपको ज़िंदगी दे चलता रहेगा, ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है। बस शर्त है कि आप खुद इस्तेमाल करें, खुद धोएं, खुद पोछें और रखें। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम मैडम जी, बुशरा बात कर रही हूँ लाहौर से। जी फरमाइए। हाँ मैडम, मैंने आज वो व्हाट्सएप पे देखा था, सलमान साहब की बर्थडे है, तो उनको मेरी तरफ से भी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे कह दे। अच्छा, बहुत शुक्रिया जी, हम पैगाम पहुँचा देंगे आपका। बहुत शुक्रिया मैडम। और आप ठीक है मैडम? शुक्र है अल्लाह का कि वो मान गया सलमान साहब इनको मजीद एक दो हफ्ते देने के लिए। जी अच्छा, अभी क्या, बस दो हफ्ते ही मैडम ये आएंगे? हाँ, फिर साइमा आएंगी इंशाल्लाह जी, फिर शेफ साइमा है। अच्छा, फिर शेफ साइमा है, चलें ठीक है। ओके, बहुत शुक्रिया। थोड़ा टैप कर लेंगे। इसकी वर्क की मदद से आप इसको सेट भी कर सकते हैं, कहीं पे अगर एयर बबल हो तो आप वो भी फाड़ सकते हैं इसके साथ। आपको कैसा पता? हम मतलब मुझे कैसे पता कि एयर बबल है? जहाँ से ऊंचा हो रहा होगा ना, ये देखें आप, ये एयर बबल है, ये देखें। ये भी एक टेक्निक है, देखें, अमेजिंग। अगर एयर बबल हम नहीं फाड़ेंगे तो फिर ये बाद में बेकिंग के बाद वो अजीब सा ऊपर से उठ जाता है थोड़ा सा। इसमें लग रहे होंगे ऊंचा। बाकी ये थोड़ी देर में जब ये रेस्ट के लिए जाएगा तो सेट हो जाएगा। अच्छा, इसको फॉरन बेक नहीं करना है? नहीं। अच्छा, ये थोड़ा ड्राई हो जाए ऊपर से, उसके बाद हम इसको बेक करेंगे। और इसमें टाइम भी लग सकता है, अगर बारिश वगैरह हो रही हो, ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो वेदर में, तो फिर ज़्यादा टाइम ले लेते हैं ये। अच्छा, तकरीबन 3-4 घंटे तक भी ले लेते हैं बेक करने में। जी, अगर आपने मिक्सिंग ज़्यादा कर दी और बारिशें भी हुई हैं तो फिर क्या होता है कि वो हवा में नमी की वजह से ये ड्राई होने में टाइम लेते हैं। वैसे अभी तो ये इंशाल्लाह जल्दी हो जाएंगे, 40-45 मिनट में ये ड्राई हो जाएंगे। नहीं तो ये आपने इसको इसमें डाला मैट पे, और फिर आपने बाहर उसको छोड़ना है 40-45 मिनट तकरीबन, जब तक ये ड्राई ना हो जाए। अच्छा, और फिर ड्राई की शक्ल कैसी आएगी वो आप उसके ऊपर फिंगर को रख के थोड़ा सा जो है आगे बढ़ाएंगे तो वो आपके हाथ पे चिपकेगा। वो जो मैंने हाथ लगाया था वो कच्चा था? वो उस वक्त नरम हो रहा था जी। कच्चा था जी। ओके, ड्राई करने के लिए रखे हुए थे ना मैंने? मैं तो समझी हूँ पके हुए हैं। नहीं। अच्छा, अब इसको हम रख देते हैं ड्राई करने के लिए, पंखे के आगे रख दें ताकि जल्दी हो जाएगा। हम ओके, फिर यहाँ से एसी चल रहा है, आपको कोई मसला नहीं होगा।
ब्रेक भी आ चुकी है जी, तो हम ले लेते हैं इधर एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक से वापस आएंगे, आगे कंटिन्यू करते हैं, देखते रहिए मसाला मॉर्निंग। सेकेंड रेसिपी आ गई हमारी प्रॉफिट रोल, पानी डाल दिया हमने। अच्छा, पानी डाला है 240 ml, उसमें बटर जा रहा है 110 ग्राम, सब मेजर्ड है सारी चीज़ें। शुगर, चीनी गई है इसमें 12 ग्राम और पिंच ऑफ सॉल्ट। अच्छा, आपका तरीका बहुत डिफरेंट है। हाँ, जो मैंने सिखाया है, मैंने बीटर यूज़ नहीं किया था, हाथ से अंडे मिक्स किए थे। वैसे इट्स अ गुड आइडिया कि आप मशीन से कर लेते हो। बिल्कुल ठीक है, वो मिक्सर ज़्यादा हो तो फिर तो हाथ से मुश्किल हो जाएगी ना, इसलिए फिर वो मशीन वाला तरीका पता है हमें। ओके, इतनी देर कुक करना है पानी, चीनी, मक्खन और एक चुटकी नमक को कि उसमें एक उबाल आने लग जाए। जब उबाल आने लगेगा तो उसमें आपको 120 ग्राम मैदा डालना है और मैदा डाल के आपको जल्दी जल्दी मिक्स करना है और पकाना है इतनी देर कि उसमें एक आपको छोटी सी गुठली भी नज़र ना आए, लंप नज़र नहीं आए, सही है? बिल्कुल सही है। 7-8 मिनट लग जाते हैं, 5-7 मिनट। उबाल जी, अच्छा खासा बॉयल आ गया है। ठीक है, चूल्हे पे से उतार दिया, मैदा डाल देंगे। अच्छी तरह नीचे मिक्स करें और फिर रख के पकाएं, फिर पकाएंगे। अब वैसे मैंने अच्छा इसको उबाल दे दिया, तो अब मैं इसको पकाऊंगा नहीं। अच्छा ठीक है, तो इट्स बेटर, अच्छी बात है। अगर उबाल सिर्फ एक ही आए और आप इसको उतार लें तो फिर बेहतर है कि आप पका लें। अच्छा, ये तो आसान हो गया ना। और जो अंडों की मिकदार इसमें लिखी है 3 से 4, वो भी इसी के ऊपर लिखी है कि जितना आपका ये बैटर गर्म होगा उसके मुताबिक ये अंडों को बिल्कुल यूज होंगे इसके अंदर। इट्स अ वेरी गुड आइडिया कि आपने मशीन में डाल दिया। वो हाथ से फिर काफी टाइम भी लग जाता है, मेहनत भी होती है। एक एक करके गरम में ही आप शुरू कर दें अंडे डालना। एक अच्छी तरह उसमें इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, दूसरा तोड़ेंगे फिर दूसरा डालेंगे।
अभी आपने एक ही डाला है ना? दो डालनी है। अच्छा, दो डालनी। वेरी इजी मेथड मशीन में करना। और ये तीसरा चला गया। विपी विप बेहतरीन ब्रांड है, क्रीम से लेके उनका चाको हेस से लेके उनके सारे कलर्स और उनका एसेंस और हर चीज़ अंडर वन रूफ आपको मिलती है। किसी दिन जाएं कुरंगी में, इनका बहुत ही ज़बरदस्त सा आउटलेट है, पूरा एक ही छत के नीचे आपको हर चीज़ मिल जाती है, हर चीज़। कहीं बाहर जाने की या कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल देयर। ये सारी चीज़ें, पैन्स, पॉट्स, एवरीथिंग। कितने डाले अंडे? 3.5 अंडे डाल दिए आप अभी हमने। अब इसकी हम कंसिस्टेंसी को देखेंगे उसके मुताबिक। अस्सलामुअलैकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे आपका शो बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया। मुझे आपका शो बहुत अच्छा लगता है। बड़ी मेहरबानी। और मैं आपका शो बहुत शौक से देखती हूँ। बहुत थैंक यू बेटा। और मुझे आपसे क्वेश्चन करना था कि मेरे पास सिलिकॉन के मोल्ड्स हैं, तो मैंने पूछना था उनसे बेकिंग हो जाती है और उनके क्या प्रोसीजर है, कैसे यूज़ किया जाता है? कुछ भी नहीं, जिस तरह ये करते हैं ये तो हर चीज़ में वो यूज़ करते हैं, बिल्कुल बेकिंग होती है। और मैंने ये भी पूछना था कि जो उसमें चॉकलेट को वो बनाते हैं सिलिकॉन में, तो वो किस तरह होता है, तो वो भी मुझे बता दें। चॉकलेट मोल्ड्स मिलते हैं सिलिकॉन के, बिल्कुल बनाते हैं, अगले हफ्ते ये बनाएंगे चॉकलेट। ठीक है, ठीक है, देखिएगा। थैंक यू। पूरा अंडा चला गया? 4 पूरे डालना होगा, पूरे 4 अंडे यूज हो गए। आपका क्रीम पफ के लिए बेकिंग ट्रे चाहिए प्रॉफिट रोल के लिए। ओके। इसका मिक्सचर बता दीजिएगा। अच्छा, ये रेडी हो गया। पोरिंग है, हल्का हल्का पोरिंग है, थिक है, थिक है लेकिन गिर रहा है हल्का हल्का। मैं ट्रे लेकर आता हूँ। वो गया है बेटा, शारिक गया है। पोरिंग नहीं लिखिएगा, थिक ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी। पोरिंग तो फिर बहुत हो जाएगा, ड्रॉपिंग ड्रॉप हो रहा है हल्का हल्का। अच्छा, इसको आप बेक करेंगे 200 पे, राइट? जी, फॉर 20 मिनट्स। 200 या 220 भी रखें जैसे चाहें, ओवन की हीट पर होती है बात। अब हमारे पास है ये कन्वेक्शन इलेक्ट्रिक है। हाँ। इसकी हीट ज़्यादा ही होती है। फुटाइल के ओवन्स आर टू गुड भाई। राउंड टिप भी लगा सकते हैं। अच्छा, और आगे से प्लेन वाली, प्लेन वाली जो आती है ना राउंड, वो, या तो फिर ये टिप की जरूरत ही नहीं है, बीच आपने काट लिया। यही सेम मिक्सचर है चॉकलेट एक्लेयर्स का। आजकल तो कितने किस्म के एक्लेयर्स आ गए, चॉकलेट आ गया, मोका आ गया, चॉको हेज एक्लेयर्स आ गए। बस आपको एक्लेयर के लिए यही मिक्सचर को पाइपिंग बैग में डाल के पाइप कर रहे हैं ना, तो लंबा पाइप करना है, दैट्स इट।
खत्म हो गया बेटा और है? और है। अच्छा अच्छा, खासे बन जाएंगे आपके चार अंडे में इस मिक्सचर में। अच्छा खासे बनेंगे। अब हम इसे बेक करने के लिए रख देते हैं। इधर 18 है, चाहें तो ऊपर से प्लेन भी कर सकते हैं। 12 और बन जाएंगे। क्या कर सकते हैं? चाहें तो ऊपर से प्लेन कर सकते हैं, फिंगर से या स्पून वगैरह की मदद से। ठीक है। 200 सेल्सियस पे। ठीक है। मैं चॉकलेट को मेल्ट कर लेता हूँ। ये चॉकलेट हम यूज़ करेंगे मैक्रून पर, और मैक्रून पर सब हम बेक करने के लिए रखेंगे। कितना अच्छा आइडिया, देखें आप, आइडिया की बात है कि इन्होंने चॉकलेट विपी वो उसकी मिल्की फूड्स की चॉकलेट लिए, वाइट और मिल्क है डार्क, ये चॉकलेट लेके उसको चॉप करके पाइपिंग बैग में ही डाल दिया है। हाउ नाइस, हाउ कन्वीनियंट, बर्तन ही ख़राब नहीं होगा। वाह, अच्छा जी ब्रेक तो हम ले लेते हैं, इधर एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक से वापस आते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक, देखते हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग। जी बेटा, आप क्रीम को हम विप करेंगे। विप की बेहतरीन सी क्रीम, इस क्रीम का इस वक्त पाकिस्तान में कोई और क्रीम मुकाबला नहीं कर सकती। टू गुड। कितनी लिए बेटा? पापा वजन तो नहीं किया, अंदाजे से लिए। 300 ग्राम होगी। ओके, विपी विप क्रीम को विप करेंगे, और ये कस्टर्ड मैं पहले से तैयार करके लाया हूँ, ये इसके अंदर मिला देंगे हम, तो ये पेस्ट्री क्रीम कहलाती है। अच्छा, कस्टर्ड आपने कस्टर्ड पाउडर से बनाया है या अंडे की जर्दी से बनाया? कस्टर्ड पाउडर से बनाया। ठीक, आधा किलो के अंदर ये 40 ग्राम कस्टर्ड डाला, यानी कि थोड़ा थिक रखना होता है। ओके ठीक है, आप प्लेन कस्टर्ड बना लो, एक कप दूध का बना लो, डेढ़ कप दूध का बना लो, उसमें चीनी जाएगी और वेनिला कस्टर्ड पाउडर जाएगा, गाढ़ा कस्टर्ड होना चाहिए। विपी विप की क्रीम बीट होएगी, फिर उसमें ये कस्टर्ड को फोल्ड कर दिया जाएगा जो आप प्रॉफिट रोल्स के अंदर भरेंगे। ये लो बेटा, चाहें तो आप ये पूरा भी इसके अंदर डाल सकते हैं, या फिर थोड़ा थोड़ा दोनों को लेकर अलग मिक्स करके जितने की ज़रूरत हो उतना ले सकते हैं। हम थोड़ा थोड़ा मिक्स कर लेते हैं, केक से थोड़ा ज़्यादा विप कर लेते हैं हम, क्योंकि कस्टर्ड जब मिलाएंगे तो पतला हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, वाकई विपी विप की क्रीम की बात नहीं, टू गुड। क्या मसले होते थे पहले, क्रीम फेंटो, बर्फ नीचे रखो, फेंटो, उस मुसीबत। ओ बहुत थिक कस्टर्ड है, अच्छा बिल्कुल जेली टाइप का। ओके
ने मजे का होगा कस्टर्ड। उफ माशाल्लाह माशाल्लाह इनके क्या फूले हैं। कस्टर्ड थोड़ा ज़्यादा ठंडा करना पड़ गया मुझे, क्योंकि यहाँ इतने कम टाइम में चीज़ें हो नहीं सकती ना आपा। हाँ। तो हम वहीं से बना कर लाएँ, वरना इसको हम इतना ज़्यादा भी नहीं जमाते कि ये जो है फिर वो लम्स नज़र आने लगे। हाँ। ठीक है, लेकिन ये सब चीज़ें हो नहीं सकती डेढ़ घंटे के शो पे, जब तक थोड़ा सा काम आप करके ना लाओ नहीं हो। अब देखें ये पहले से बना के लाएँ ये सारे प्रॉफिट लोन्स, ताकि आपके सामने इसको फिल किया जाए, आपके सामने इसको बनाया जाए, फिर नहीं हो सकता ना। बिल्कुल हल्का सा टिप काट दीजिए ताकि आप इसके अंदर इसको फिल कर लें। आप इसको जहाँ से चाहें वहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं, किसी चीज़ से होल कर लें। वरना वो फिलिंग नोजल आता है उसके साथ भी कर सकते हैं। हाँ, लंबा वाला होता है। उधर भी हो जाता है। ठीक है, समझ आ गया। आप इनमें होल करवा दीजिएगा। मैं करती हूँ, इसमें तो हुआ हुआ है, इसमें भी हुआ हुआ है। ज़रा सा कट लगा दें। ठीक है जी, ब्रेक भी आ चुकी है तो हम ले लेते हैं इधर एक छोटा सा ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना है, इसके बाद हम आएंगे तो ये शुगर वर्क होगा आप लोगों के सामने, तो प्लीज़ देखते रहिए मसाला मॉर्निंग्स। जी जनाब, यहाँ पे उनैद ने चीनी ली थी आधा से तीन चौथाई का, और उसको एक सॉस पैन में रख के कैरामलाइज कर लिया। ये देखें, पिघला लिया है चीनी को। ठीक है, अब आप क्रकम बोझ का टावर बनाने के लिए हमने एक हार्ड शीट ली है, और ये बुक स्टॉल से आसानी से मिल जाती है। ठीक है, ड्राइंग वगैरह के लिए बच्चे इस्तेमाल करते हैं, तो हम इसे फोल्ड करके कौन बना लेंगे। अब ये तो आइडिया की देखे ना, आपने आज तक ऐसा कुछ नहीं सीखा है मसाला टीवी पे,
सारे पॉइंट्स, ये सारे टिप्स, ये आइडियाज आप प्लीज लिखिए। अब टेप निकालिए। बनाया तो हाथ से भी जा सकता है, लेकिन फिर वो आप लोगों को मुश्किल हो जाएगी, वरना वो हाथ से भी जोड़कर बना लेते हैं बेकरीज वगैरह में। तो और काफी है मेरा ख्याल है। बस हाथ संभालना बेटा। जी हाथ जला देता है बहुत। अब इसके अंदर से एक पीस तो हमने बिल्कुल सीधा रख दिया, ठीक है, बिल्कुल सीधा एक पीस रख दिया। वाओ, समझ आ गया मुझे आप क्या कर रहे हैं। ये हम इसके साथ जोड़ेंगे। जरा सा आप हमारे टॉप कैमरा की तरफ शक्ल रखें। हाँ, नीचे करें थोड़ा। और ये बहुत ज्यादा गर्म होती है, बहुत एहतियात से करने वाला काम है ये। आपकी चमड़ी बाहर आ जाएगी, स्किन सही। इट कैन ऑफ टेरेबल। आई हैव गॉन थ्रू दिस। मेरा एक दफा हाथ जल चुका है, मुझे पता है। शेफ नईम का भी काफी सारा हाथ जला हुआ है। ला तो पा। आई रियली लाइक दिस आइडिया। अच्छा आप मेरी तरफ थोड़ा सा मुझे दिखाओ बेटा, क्या बात है भाई। अनैत हमारे टॉप कैमरा इधर है ना, जरा सा इधर दिखाओ। देखिए ये चीनी उसको जाके एक दूसरे के साथ चिपका देती है, ठीक है। ये किसका आइडिया है? ये कौन वाला? हाँ, ये शेफ सायमा का आइडिया है। वैसे लोग बनाते भी हैं। शेफ सायमा ने कहा था कि इस तरह बना लेंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा, तो मशवरा करके काम करते हैं ना तो आसान हो जाता है, आइडिया मिल जाता है और भी अच्छा। वरना अगर मैं वैसे बनाता तो फिर एक के ऊपर एक जोड़ जोड़ के, लेकिन वो फिर थोड़ा मुश्किल है। इसमें इजी हो जाएगा सबके लिए। लेकिन इतनी अच्छी बात है कि एक ही प्रोफेशन में हैं और एक दूसरे के साथ हर चीज़ शेयर करते हैं, वरना एक ही प्रोफेशन में आप हो फिर आपको पता है प्रोफेशनल जेलसी हो फल्ला। बहुत अच्छी शेफ है माशाल्लाह, मैंने बहुत कुछ उनसे सीखा है। सभी हम सब सीख रहे हैं बेटा, मैंने कम सीखा है। सही बात है। She's too good. अभी आजकल वो बहुत खुश होंगी, बिल्ली ने बच्चे दिए हैं उसके। हाँ, उनको बहुत पसंद है बिल्लियाँ, उन्होंने पाली हुई हैं। तकरीबन बस हमारा मुकम्मल होने वाला ही है। अच्छा आप इसी को फिर करेंगे शुगर क्राफ्ट इसके लिए और से? कर लेंगे आप, क्योंकि ये ज्यादा कैरमलाइज हो गई है, क्योंकि फिर ये रखे रखे ना शुगर पकती रहती है लगातार। हाँ वही चूल्हा बंद था लेकिन वो पक फिर भी पकती रहेगी। मुझे एक और दफा देखना बेटा अंदर। आपने मैक्रून्स डाल दिए? नहीं आपा, अभी दिखा कर फिर हम उसको बेक करने के लिए ले आऊं। ले आपा, ये अब इसके टेक्सचर को हैवी करने के लिए हम बाकी के कैरेमल इसके अंदर ही डाल लें। हैवी करने के लिए मतलब? ताकि आपस में ये मजीद अच्छे से जुड़े रहें। अच्छा। क्योंकि हमने कहीं कहीं कैरेमल लगाई है, वो क्या हुआ होगा, वो लुढ़क जाएंगे। हाँ, कहीं से बह गई होगी, कहीं से लग गई होगी। अब थोड़ी देर तक हम इसको ऐसे ही रोकेंगे। लाए मैं पकड़ूं आपको दिखा दें।
अब ये देखें, इसके ऊपर ये स्किन आ चुकी है और ये फिंगर लगाने से क्या हो रहा है कि ये हाथ पे नहीं आ रहा। ठीक है, ये इसकी टेक्निक है। अब इसको हम रख देंगे बेक करने के लिए। अभी तक बेक नहीं किया था, इतनी देर या आधा पौना घंटा बाहर रहा, जब तक कि आप इसको हल्के से टच करें इसके ऊपर आपका उंगली पर कोई चीज़ लग नहीं रही है, ड्राई हो चुकी है ये। ठीक है, इसको बेक करने के लिए रख देंगे। तकरीबन 12 से 15 मिनट के अंदर ही बेक होकर आ जाएगा। तो आपने कहा था एक घंटा भी लग सकता है बेक होने? नहीं, उसको ड्राई होने में टाइम ज़्यादा लग सकता है। बेक करना तो वो तो फिर बिस्किट वाली टेक्निक है ना, वो देखा है। डन। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट स्टेप, बस खोलने। वाओ, क्या बात है भाई। वाओ, एक्सेलेंट, आई लव दिस आइडिया। अभी इसको हम बैलेंस करते हैं, जो ये थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा हो रहा है। हाँ, वो गिर ना जाए, मुझे डर लग रहा है। अभी बैलेंस करते हैं। एक्सेलेंट आइडिया, एक्सेलेंट। अब करेंगे स्पंज शुगर का वर्क, जिसे हम कॉटन कैंडी भी कहते हैं। नहीं गिरेगा, अब नहीं गिरेगा, वो सही है, खड़ा हो गया। ब्रेक आ चुकी है, आप बता के जाएं क्या करने वाले हैं। शुगर को कैरमलाइज करेंगे और उसके बाद बाकी काम आने के बाद करेंगे। ठीक है, सिर्फ चीनी को कैरमलाइज करना है और कुछ नहीं कर रहे, इसी तरह मेल्ट किया है पानी के बगैर। ठीक है जी बेटा, वो देख लो। मसाला मॉर्निंग्स, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे शुगर वर्क के लिए चीनी पिघल रही है। आधा कप जितनी चाहें शुगर ले लें गार्निशिंग के लिए। इस पे जो कस्टर्ड बनाया था, चीनी आप अपने हिसाब से चख के डालें, 2 टेबलस्पून, 3 टेबलस्पून, 4 टेबलस्पून, जितना मीठा आप पसंद करते हैं। वैसे 1 किलो के, यानी कि 1 किलो दूध के लिए 200 ग्राम तक हम लेते हैं चीनी। ठीक है, लेकिन ये तो हमने 1 कप का कस्टर्ड बनाया, तो अब टेस्ट इट ना एंड ऐड इट। अच्छा पा, शुगर वर्क में अक्सर लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने की वजह से वो शुगर थोड़े टाइम के बाद वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है, तो उसके लिए एक स्प्रे आता है एंटी ह्यूमिडिटी स्प्रे, और मैंने बेक हाउस पे अभी बोला भाई अपने परचेजर को कि वो जल्द लेकर आ जाएं। तो उसके साथ क्या होता है कि फिर ये बहुत जल्दी से जो है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करती शुगर। एंटी ह्यूमिडिटी स्प्रे जी, वो फूड ग्रेड होता है, और आप जो है अपनी शुगर की चीज़ों के ऊपर या इवन आप फॉन्डेंट की चीज़ों के ऊपर भी अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं, फिर वो काफ़ी टाइम तक ईजी हो जाता है काम। वकार आपने क्या कहा? अस्सलामुअलैकुम। हेलो जी, फरमाइए साइमा। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैंने सिर्फ ये पूछना ही है, जो इन्होंने शुगर सिरप का बनाया, जो पहले इन्होंने उसमें ज्वाइन करने के लिए लगाया, सिर्फ आप ये बता दें चीनी कितनी क्वांटिटी? आधा कप ली थी, आधा कप। कुछ नहीं, जैसा अभी पिघलाइए, सेम वो आधा कप थी, ये भी आधा कप लिए। अच्छा, और यही तरीके से पिघलाइए, कोई पानी नहीं डाला, बस सॉस पैन में डाल के स्पैचुला से हिलाते रहे जब तक कि वो पिघल गई, आपने उतार लिया। चले ठीक है, ओके वेलकम, थैंक यू, वेलकम वेलकम, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, ये अगर आपको ऐसा क्रॉकनबुश का टावर बनाना है तो इसके लिए आपको जो आपके प्रॉफिट रोल्स हैं वो तैयार हो चुके हैं, लेकिन उसको एक्स्ट्रा थोड़ा बेक कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए एक्स्ट्रा कर रहे हैं कि वो बाहर आके एकदम भरने के बाद एकदम फुस ना हो जाए, ऐसे खड़े रहें। देखें अभी तक वो अंदर ही हैं, वो हो चुके हैं, लेकिन ओवन जल रहा है
और वो अंदर हैं ताकि वो अच्छा सा अपना शेप फॉर्म कर लें। और वरना प्रॉफिट रोल से नरम होता है ना, आप एक मुंह में डालें कहाँ जाता है पता ही नहीं चलता, तो थोड़ा सा उसको ओवर बेक करें। अब जैसे शुगर थोड़ी सी हमारी जो है ठंडी होती है, हाँ। तो ये इतनी गाढ़ी हो जाएगी कि हम इसके साथ जो है स्पंज शुगर का वर्क कर सकते हैं। अभी करूँगा मैं तो ये अभी बह रही है, इसका तार नहीं बन रहा। ये देख लें प्लीज़, ये पॉइंट्स आप लोग समझ लें। दो कांटे ले लीजिएगा, इतनी देर आप उसको करें कि वो उसका जो शीरे का जो शेप है वो मतलब वो तार बनना चाहिए ना, वरना तो ये बह रही है। ये देखे अब बन रही है, अब थोड़ा थोड़ा बनना शुरू हुआ। और बच्चे तो ये काम बिल्कुल भी नहीं करें, अक्सर बच्चे फैमिलीज में लगे होते हैं ना साथ, बहुत खतरनाक काम है ये। मैं आपको सब बता रही हूँ कि आपकी आप जब ये आपके अगर हाथ पे पड़ गई, आपने उसको उतारने की कोशिश की तो ये खाली नहीं निकलेगी, आपकी स्किन बाहर आएगी, वेरी डेंजरस। आप इसके ऊपर नहीं करेंगे डायरेक्ट? नहीं, हम यहाँ से उठाकर इसके ऊपर लगाएंगे। ओके, शारिक उसको मैकून्स को चेक करना, आप सही बन रही है वहां पे, देखें अब बनना शुरू हुई है। हाँ, आप एक्सेलेंट, क्या आर्ट है, there's no end to it, कितना सीखेंगे कितना, कोई एंड नहीं है, this is so good। बाकी कॉटन कैंडी है, एग्जैक्टली, अच्छा ये जो कॉटन कैंडी जो बच्चे खाते हैं जिसे हम बुड्ढी के बाल कहते हैं, जी जी, तो वो आप कलर शुगर को कलर कर देते हो, कलर शुगर आती है, अच्छा। या तो आप इसी के साथ कलर मिलाकर कर लें, यही मैं कह रही हूँ, उसमें फ्लेवर भी होता है, आप चाहें तो फ्लेवर भी डाल सकते हैं, पाउडर फ्लेवर आते हैं ना। किसी दिन कन्फेक्शनरी की क्लास करानी चाहिए, शो कराना चाहिए, जिसमें कैरामल पॉपकॉर्न हो, ये मार्शमेलोज हो, ये कॉटन कैंडी हो। मार्शमेलो तो बहुत अच्छी बनाना आती है आपको, एक ही रेसिपी है, उसके साथ आप मार्शमेलो बना लें, उसी के साथ जो है आप वो एक गमी वो होती है जेली, स्वीट्स, हाँ, हाँ, वो भी बनती है उसी रेसिपी के साथ, उसी को अगर आप फेंट देंगे तो मार्शमेलो बन जाएगी, वो उसी को व्हिप कर दें सेम रेसिपी को, फिर एक हफ्ता और बढ़वाऊँ जो जब कैंडी भी बोलते हैं उसको, जूजू कैंडी, बिल्कुल एक हफ्ता और बढ़वा लें आपके लिए, आप मुश्किल हो जाएगी वहाँ जो है ना, फिर मुझे पता नहीं कभी, नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह, इंशाल्लाह जरूर जरूर, फिर छुट्टी पे जाएंगे ना शेफ लोग। क्या बना रहे हैं ये, और इसको आप बस उठाएंगे और उस पे रख देंगे, उठाएंगे और उसके ऊपर रख देंगे, बस आप शुरू हो जाओ, इसलिए कि रिकैप का टाइम है, मैं चाह रही हूँ आप इसको कंप्लीट करो ताकि, इसके ऊपर मैंने ऑयल लगा दिया था टेबल पर ताकि ये चिपके नहीं, ये जब आप बिना एसी वाले काम में काम करें रूम में काम करेंगे तो ज़्यादा आसान होगा, उसमें फिर ये इतनी टूटेगी नहीं, उसमें अच्छा, ये ऊपर फोल्ड हो जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, समझ आ गया, हम थोड़ी सी और बना के ऊपर लगाएंगे, आप लोग चलिए रीकैप ब्रेक की तरफ। रोकम्बोश फ्रेंच डिज़र्ट, प्रॉफिट रोल के लिए अज्जा, मक्खन 110 ग्राम, पानी 240 मिलीलीटर, नमक 3 ग्राम, चीनी 12 ग्राम, मैदा 120 ग्राम, अंडे 3 से 4 अदद, पेस्ट्री क्रीम के अज्जा, कस्टर्ड 1 पैकेट, व्हिप्ड क्रीम हसबे ज़रूरत। तरकीब,
एक पैन में चीनी, पानी, मक्खन और नमक शामिल करके उबाल लें। अब इसमें मैदा शामिल करके धीमी आंच पर 12 मिनट पकाएं और मिक्सिंग मशीन की मदद से व्हिप कर लें। फिर एक एक करके अंडे डाल के मिक्स करें और बैटर को 200 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म ओवन में 22 से 25 मिनट बेक कर लें। पेस्ट्री क्रीम बनाने के लिए कस्टर्ड तैयार करें। अब इस पर व्हिप्ड क्रीम को फेंट कर डालें और कस्टर्ड में मिक्स कर लें। उसके बाद चीनी को करमलाइज करके बेक किए हुए प्रॉफिट रोल में जोड़ लें और टावर बनाकर पेश करें। फ्रेंच मैक्रॉन अज्जा। अंडों की सफ़ेदी 50 ग्राम, कास्टर शुगर 50 ग्राम, नमक एक चुटकी, आमंड फ्लार 60 ग्राम, आइसिंग शुगर 43 ग्राम। तरकीब। अंडों की सफ़ेदी, कास्टर शुगर और नमक को व्हिप करें और नरम पैक्स बना लें। अब इसमें आमंड फ्लार और आइसिंग शुगर मिक्स करके बेकिंग शीट में ड्रॉप्स डालें और खुश्क होने के बाद इसे 160 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म ओवन में 15 से 16 मिनट बेक करके सर्व कर दें। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। मुंह में जाके घुल रहा है आपके, ऐसे प्रॉफिट रोल्स हैं। टू गुड। अपन मैं मैक्रोन चेक करके आता हूँ। जाइए। एक बंदा चार खा सकता है इजी, पता ही नहीं चल रहा। टू गुड। मेरी सेहत का राज ये मोटापा, ये मीठा है। आई लव मीठा। अच्छा, यहाँ पे पाइपिंग बैग में गिनाश है, चॉकलेट गिनाश। अगर आपको चॉकलेट लवर नहीं है आप, तो आप फ्रेश क्रीम भी पाइप कर सकते हैं या वाइट चॉकलेट की गिनाश बना लीजिए। ठीक है, ये है ना, ये देखें वाइट चॉकलेट की जो भी मेल्ट करने रखी थी आपके सामने। कड़क कड़क आवाज आ रही है, निकाल लें। हो गए मैक्रून्स भी अल्हम्दुलिल्लाह। देखें ये सारी चीजों में टाइम लगता है। माशा मैक्रून को मैंने तोड़ के देखा था। हाँ, ये देखना पड़ता है कि कहीं ये नीचे से भी गीले तो नहीं है। ठीक है, हम निकाल लें और फिर वो कच्चे निकल आए तो नीचे से तोड़कर देखते हो, नीचे वाला क्रस्ट उस टाइम पे तो नरम ही होगा, जैसे बिस्किट हम बाहर निकालते हैं उस टाइम पे नरम होते हैं। ठीक है, अगर ये 30-35 सेकंड के अंदर ही हार्ड होने लग जाए जब आपने इसको निकाल लिया, तो इसका मतलब ये कि मैक्रोन रेडी है। तो आपने देखा तो हार्ड चेक किया, इसीलिए क्रम क्रम आवाज आ रही थी। ठीक है, ये रेडी हो गया। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा करते हैं ताकि ये फिर शीट को छोड़ दे, सिलिकॉन शीट को। हाँ हाँ, ये छोड़ दिया, देखें। वेरी नाइस, ये वाइट चॉकलेट है। आपने इस दफा बना के नहीं लाए थोड़े से? नहीं आपा, टाइम नहीं मिल सका जी। दावत में आज बन रहे मसूर पुलाव, बोटी कबाब। बस दो तीन बता दो बेटा, फिर हम रख देंगे, फिर ये लोग। तो फिर मैं निकाल लेता हूँ, वैसे ही फिलिंग करेंगे ना, भले टूट जाए थोड़ा सा, क्योंकि ठंडा करके निकालेंगे ना तो फिर ये टूटेगा नहीं। ठीक है, लेकिन आप बस एक भर के बता दें, बिकॉज टाइम ख़त्म है। एक ड्रॉप लगा दें, आपस में जोड़ दें और फिर इनकी जो गार्निशिंग की जाती है इसको कट करके। गार्निशिंग जी। अच्छा, इसी से मेल्टेड चॉकलेट। कॉलर है बहुत दूर से, मलेशिया से। अस्सलामुअलैकुम नौशीन। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आपा? अल्लाह का बहुत शुक्र, बहुत अरसे के बाद आपको आपा याद आई है। हाँ नहीं नहीं आप मुझे हर वक्त याद होती है, लेकिन मसला सारा ये है कि लाइन नहीं मिलती। अच्छा, बहुत शुक्रिया नौशीन, बोलिए जल्दी से क्या। अल्लाह का बहुत। आपकी तबीयत कैसी है जी? आपकी तबीयत कैसी है? अल्लाह का बहुत शुक्र, अल्लाह का बहुत एहसान। आप एक बात पूछनी थी आपसे कि मैंने ओवन लेना है, मेरे हस्बैंड ने कहा था कि आप से पूछूं कि कौन सा वाला अच्छा है। यहाँ पे वो 3-in-1 ओवन है पैनासोनिक वाला ना, जिसमें स्टीम भी होता है, बेक भी होता है, और बेस बेस बस वो ले ले। जी वो ले लीजिए, उस पर मैंने शो भी कराया है पैनासोनिक वाले का, 3-in-1 ओवन का बेस्ट है वो। जी 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 जी, अच्छा जजाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। बस आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, और आपने भी हमें दुआ में याद रखना है, और हम सब जरूर याद करते हैं। थैंक यू।
थैंक यू नौशीन। चलें जी, आज का शो हुआ चाहता है मुकम्मल। यह खूबसूरत सा शो आज शाम में आप ज़रूर देख लीजिएगा। एंडिंग इसकी पिक्चर्स आपको हमारे पेज पे नज़र आ जाएंगी या मैं अपने इंस्टाग्राम पे भी डाल दूँगी। ठीक है, मिलते हैं आपसे कल इंशाल्लाह। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। मुझे, शेफ अनैत को, मेरी पूरी टीम को दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। बेहतरीन नई मज़ेदार तमाम शेफ़्स की रेसिपीज़ हासिल करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है YouTube चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।